करवा चौथ का इंतजार। पतंगों वाले चांद का हुआ दियाबाती में एडवांस नहीं आ गया करवा चौथ का त्योहार। हाथों में चटखाल सजाए सदिया चांद जैसे अपने सजना की बलाई ले रही है। साथ ही मोहित एमपी और पुष्कर की कई नई नवेली चूड़ियां भी है। चौथ का ये आयोजन किया गया है अवसर बीतड़ी के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन इससे पहले की संध्या अपना व्रत पूरा कर पाती कहानी में आ गया ट्विस्ट। संध्या को आ गया एसपी साहब का बुलावा और अधूरी रह गई उसकी काम जरूरी है। मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करती है और वो जानते हैं कि हम सूरज जी से प्यार करते हैं तो बात नहीं पड़ेगा। सूरज जैसी जोड़ियों को देख कर ही अपना दिल बहला गया लेकिन रिश्ते को फर्ज के आड़े नहीं आने दिया। महिला का शुक्र है कि भावो यहाँ नहीं है वरना वो हंगामा मचा देती क्योंकि पूजा इस तरह बीच में छूटना अपशगुन जो है और सूरज का के साथ तो ये दूसरी बार हो रहा है। अच्छा हुआ भावो यहाँ पे नहीं है लेकिन भावो को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि संध्या जी फटाफट वापस आ जाएं जो भी काम से गए हैं। अगर मेरी किस्मत में होगा तो जरूर करवा चौथ का व्रत मेरे हाथ में। बहुत सारी परेशानी है राजकुमार के लोग यहाँ पार्टी में भी आ चुके हैं तो की ढूंढने में लगी हुई है। करवा चौथ से ज़्यादा राजकुमार मिशन ज़्यादा हावी है संध्या के ऊपर तो वही है। तो काफ़ी सारी परेशानी है और साथ में प्रेमा और मीनाक्षी का जो झगड़ा है वो भी सॉर्ट आउट कराना है। और सौ मुसीबतें एक तरफ आतंक की राजकुमार से निपटने का चैलेंज तो दूसरी तरफ मीनाक्षी और प्रेमा का पंगा। दोनों सौपुत्रों ने रखा है विक्रम के लिए करवा चौथ का व्रत और इस पंगे में फंस गए बेचारे विक्रम। अभी मैं बीच में बैठा हूँ थोड़ा इधर देखता हूँ तो यहाँ से कुछ नहीं लगती मुझे यहाँ पे देखा तो इशारे आते हैं ऐसे कैसे करो ना एक बार इशारा। मैं तो नहीं करने वाली। कौन सा इशारा ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े आप कर लो ना आप। मैं तो मतलब प्रेमा जी बिलीव ही नहीं करती कि ये कुछ इशारे करेंगी। उनकी सिंपलिसिटी उनकी सादगी इतनी अच्छी है कि विक्रम जी को वही पसंद है। हम लोग तो समझा के थक गए तो उनको बाहर वाली अगर इतनी भाग गई है तो फिर बाहर वाली के साथ करके भारी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। अच्छी सलाह दी ये जनाब दो नावों में सवारी करने का प्लान बना रहे हैं और उधर माया चल चुकी है अपनी अगली जान। छोटे छोटे कर्मों में बम रख कर माया ने भेज दिया है संध्या को मौत का तोहफा और अगर ट्विस्ट का ये बम फटा तो करवा चौथ की रात बन जाएगी अमावस की रात।